चलती कार में लगी भीषण आग। बता दें कि चलती कार में भीषण आग लग गई, तस्वीरों में आप देख सकते हैं माँ बेटी और युवक ने निकलकर अपनी जान बचाई है। चलती कार में भीषण आग लग गई है, तस्वीरों में आप सीधा तौर पर देख सकते हैं माँ बेटी और बेटे ने कार से निकलकर अपनी जान बचाई। आग लगने से सड़क पर लंबा जाम लग गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी। गोमती नगर थाना क्षेत्र के लोहिया पार्क चौराहे के पास की घटना बताई जा रही, जहां पर चलती कार में भीषण आग लग गई, तस्वीरों में आप सीधा तौर पर देख सकते हैं। बता दें कि खबर लखनऊ से। आईपीएल की तर्ज पर होगी यूपी T20 लीग। नीलामी में कानपुर की टीम सबसे महंगी। लखनऊ की टीम पर सबसे कम बोली लगी। कानपुर में 7.20 करोड़, वाराणसी में 6.50 करोड़, गोरखपुर में 6 करोड़, गौतम बुद्ध नगर 5.75 करोड़, लखनऊ में 5.25 करोड़ में बिकी। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में होंगे सभी मैच। क्रिकेट प्रेमियों के लिए खुशखबरी, यूपी में T20 लीग के सभी 33 डे नाइट मुकाबले होंगे। 20 अगस्त तक सभी 6 टीमों के खिलाड़ियों का होगा ऑप्शन। 30 अगस्त से 16 सितंबर तक चलेगी यूपी T20 लीग। आईपीएल की तर्ज पर अब यूपी T20 लीग चलाया जाएगा। बता दें कि आईपीएल की तर्ज पर अब यूपी T20 लीग होगा। ट्यूशन टीचर पर नाबालिग छात्रा ने लगाया आरोप, खबर कानपुर से सामने आ रही है। घर में दोनों बच्चियों ने मां से आपबीती सुनाई है। ट्यूशन टीचर पर गंभीर आरोप लगाए गए, 9 साल की बच्ची को पढ़ाने जाता था आरोपी, खबर कानपुर से है, जहां पर ट्यूशन टीचर पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोपी आमिर को किया गया गिरफ्तार। चमनगंज थाने में दर्ज हुआ मुकदमा। चमनगंज थाना क्षेत्र में एक FIR आई है, जिसमें 9 साल की बच्ची को मोबाइल हैंडसेट में अश्लील पिक्चर्स दिखाए जाने की बात फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में दी गई है। ये इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट बच्ची के माँ के द्वारा दी गई है, और इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल उस व्यक्ति को, जो कि पढ़ाने के लिए नियुक्त थे, शिक्षक थे, उनको थाने ले आए हैं। पूछताछ की जा रही है, मोबाइल को रिकवर किया गया है, सीज किया गया है, मोबाइल चेक किया जा रहा है, और ये पूरा मुकदमा 354D और 11/12 पॉस्को एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। आवश्यक विधिक कार्यवाही चमनगंज थाने में की जा रही है। IPS अभिषेक वर्मा की कार्यवाही से पुलिस कर्मियों में मचा हड़कंप। एक्सीडेंट के बाद 2 सिपाहियों ने ट्रक चालक से मांगे थे घूस। IPS अभिषेक वर्मा ने कार्रवाई की है। ट्रक चालक ने SP को मिलाया था फोन। सिविल रेस में ट्रक ड्राइवर की मदद के लिए चौकी पहुंचे SP। SP को नहीं पहचान पाए पुलिसकर्मी। SP के सामने ही मांगे 1 लाख रुपए। दोनों सिपाहियों के खिलाफ लिखा गया भ्रष्टाचार का मुकदमा। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कलीम जुड़ चुके हैं। कलीम, IPS अभिषेक वर्मा ने पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की है। देखिए नंदनी जी, जिस तरीके से बात की जाए, हापुड़ के पिलखुड़ा कोतवाली इलाके में सड़क दुर्घटना के बाद एक खराब ट्रक था, उसमें नारियल पलटी हुई थी, उसको लेकर के जिस तरीके से उस माल को दूसरे ट्रक में पलटना था, तो इस मामले को लेकर के जो 2 सिपाही थे, उन लोगों ने ट्रक चालक से लगभग 1 लाख रुपए की रकम मांगी थी, लेकिन जब उसने देने से इनकार किया था तो उसको जो है डराया धमकाया जाता है। इस मामले को लेकर जब उसने IPS अभिषेक वर्मा को इस मामले में शिकायत की, तो वो सिविल ड्रेस में बिना किसी स्कॉर्ट के मौके पर आ गए, और सिविल ड्रेस में जब वो चौकी पहुंचे तो देखा ये गया कि दोनों सिपाही उनको नहीं पहचान पाए, और उन्होंने उसको मालिक समझा और उससे भी 1 लाख रुपए की डिमांड कर दी। जब ये मामला उजागर हुआ तो उन्होंने इस मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया। उसके बाद दोनों ही
सिपाहियों को उसी कोतवाली में दाखिल किया, उसके बाद आज कोर्ट के जरिए जेल भेज दिया गया। फिलहाल इस कार्रवाई के बाद से लगातार पुलिस कर्मियों में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि भ्रष्टाचार को लेकर के जिस तरीके से अभिषेक वर्मा कार्रवाई कर रहे हैं और उसको लेकर के खुद ग्राउंड जीरो पर उतरते हैं, अगर उनको कोई इस मामले की सूचना मिलती है तो उसको लेकर के खुद तत्परता दिखाते हैं और मौके पर जाकर के इसकी तहकीकात करते हैं। और इसी मामले को लेकर के वो जब सूचना मिली थी तो ये खुद मौके पर पहुंचे और इसमें एक कार्रवाई की गई, जिसमें दो सिपाहियों के खिलाफ मुकदमा लिखने के बाद जेल भेजा गया है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से आईपीएस अभिषेक शर्मा है उनके द्वारा भ्रष्टाचार को लेकर के जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, तो कहीं ना कहीं सख्ती बरती जाए तो उसको लेकर के पुलिस कर्मियों में भी अफरातफरी का माहौल है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद का दौरा, डिप्टी सीएम केशव भी कार्यकर्ता संघ कर रहे हैं बैठक। बता दें कि लोकसभा की तैयारियों में जुटी है बीजेपी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, लगातार शीर्ष नेता पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। 2024 मिशन को लेकर बीजेपी तैयारियां कर रही है, बहजोई कोतवाली क्षेत्र के निजी रिसोर्ट में बैठक हुई है। युवक की आत्महत्या का मामला सामने आया है, परिजनों ने शव रोड पर रखकर प्रदर्शन किया है। परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। मौके पर रावतपुर थाना फोर्स मौजूद रही। प्रताड़ना से तंग आकर युवक ने की थी आत्महत्या। युवक की आत्महत्या का मामला, परिजनों ने शव रखकर रोड जाम कर दिया है। बता दें कि परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। युवक की आत्महत्या का मामला है, जहां पर परिजनों ने शव रखकर रोड पर प्रदर्शन किया। परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की लगातार मांग कर रहे हैं। मौके पर रावतपुर थाना फोर्स मौजूद रही। प्रताड़ना से तंग आकर युवक ने की थी आत्महत्या। बता दें कि प्रताड़ना से तंग आकर युवक ने आत्महत्या कर लिया। खबर कानपुर से सामने आ रही है, जहां पर युवक की आत्महत्या का मामला है, परिजनों ने शव रोड पर रखकर प्रदर्शन किया है। बता दें कि परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। बड़ी खबर कानपुर से सामने आ रही है, जहां पर प्रताड़ना से तंग आकर युवक ने आत्महत्या कर लिया। मौके पर रावतपुर थाना फोर्स मौजूद रही। प्रताड़ना से तंग आकर युवक ने आत्महत्या कर लिया, जिसके बाद परिजनों ने शव रखकर रोड जाम कर दिया। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।